हेलो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ चुके वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्लास्टिक की बोतल पर दिए गए कोड का क्या अर्थ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने प्लास्टिक तो हम सभी लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही आजकल हो रहा है। तो प्लास्टिक के जो आप सैम्बल होता है ना, आप ये देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये सैम्बल होता है, इसका क्या मैसेज होता है, ये क्या मैसेज देता है और इसका क्या मतलब होता है, तो उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सारी प्लास्टिक पर कहीं ना कहीं ये सैम्बल बना हुआ होता है, जिसे हम रेक्टेंगल या त्रिभुज भी कहते हैं हिंदी में। ये सारी प्लास्टिक के ऊपर बना हुआ होता है। जो भी प्लास्टिक आप यूज करेंगे ना घर में, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई प्लास्टिक यूज करेंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं ये सैम्बल ज़रूर बने होते हैं। इनका क्या मैसेज होता है उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, फूड कंटेनर देखो, इस पे भी बना हुआ है 5 रेक्टेंगल के अंदर, मेड इन इंडिया। और भी ये देखो, ये कैनी प्लस शैम्पू की बोतल है, इस पे भी बना हुआ है देखो। ये इसका क्या मतलब होता है इस टॉपिक के बात करने वाले हैं। इसे क्या कहते हैं और ये किस मैस चीज़ को दर्शाता है उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कोड को RIC कहते हैं। RIC की फुल फॉर्म है रेजिडेंट आइडेंटिफिकेशन कोड। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्लास्टिक की बोतल के नीचे की तरफ त्रिभुज या रेक्टेंगल बना होता है और इस पर कुछ नंबर लिखा होता है, जिसे हम कोड भी कहते हैं। ऐसा क्यों, इन नंबर का क्या अर्थ होता है? तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। RIC की फुल फॉर्म होती है रेजिन। रेजिन का क्या अर्थ होता है इसके टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रेजिन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इसे पॉलीमर भी कह सकते हैं। पॉलीमर यानी कि जिस जिस केमिकल से इस प्लास्टिक को बनाया गया है उसे रेजिन भी कह सकते हैं हम लोग, पॉलीमर भी कह सकते हैं, केमिकल भी कह सकते हैं। किस केमिकल का इसमें यूज किया गया है उस चीज़ को ये सैम्बल दर्शाता है। रेजिन का अर्थ होता है राल पदार्थ या पॉलीमर जिससे प्लास्टिक बना होता है। यानी कि प्लास्टिक कई प्रकार के पदार्थों या रेजिन से मिलकर बना होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन कोड का अर्थ है पहचान करने का संकेत। इससे हम लोग कोड से पहचान कर सकते हैं कि इसे कितने लंबे समय तक इस प्लास्टिक को यूज किया जा सकता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में पता लगता है। इस सैम्बल से पता लगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। वही कब तक यूज की जा सकती है इस प्लास्टिक को, हम कब तक इसे यूज कर सकते हैं, इस सैम्बल यही मैसेज देता है हमको। इसकी क्वालिटी के तो प्लास्टिक की बोतल को बनाने में कुछ टॉक्सिस या जहरीले केमिकल्स का प्रयोग होता है। इन केमिकल्स का इस्तेमाल एक समान नहीं किया जाता, इसलिए बोतल पर एक कोड दिया जाता है ताकि इसे देखकर बोतल के यूज करने का पता चले कि इसे कब तक यूज में लाया जा सकता है। जैसे अभी काफ़ी सारी प्लास्टिक चल रही है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो हम कैसे पहचानेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सी होती है? तो उसी मैसेज से ही पता लगता है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक है या नहीं है। तो इन प्लास्टिकों की संख्या 1 से 7 तक होती है। इन 7 प्लास्टिक 7 कैटेगरी में रखा जाता है इन्हें। तो जो पहली प्लास्टिक होती है जिसे फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं उसे पैट कहते हैं। पैट को PET या फिर PETE इस सैम्बल से इसे दर्शाते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीएथिलीन थेराफेथेलाइट। तो इससे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको पैट, मैं आपको व्यू भी दिखाने वाला हूँ अभी। ये देखो इस पे ये बना हुआ है पैट, इसमें दिख नहीं रहा है प्रॉपर, मैं आपको दूसरे में दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ पैट, पैट PETE। और अभी इस पे देखेंगे हम लोग पैट लिखा हुआ है, इस पे अंदर एक नंबर लिखा हुआ है रेक्टेंगल के बिल्कुल बीच में सेंटर में। ये देखो
इसे फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। इसके इस पीपीटी को भी पैट PAT लिखा हुआ है, पैट वन बना हुआ, रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में वन लिखा हुआ होता है, तो उसके फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आती है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल। HDPE ये इस टाइप की जो बोतल, देखो इस पे लिखा हुआ है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल, रेक्टेंगल के बिल्कुल बीच में दो लिखे हुए हैं। उसकी ये वाली बोतल में भी देखिए बैक साइड में, ज़्यादातर तो ये प्लास्टिक के बैक साइड में होता है। अब ये देखो कैनिन प्लस, इसकी बोतल पे लिखा हुआ देखो HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल। ये देखो उसके बाद आता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC प्लास्टिक का ये ज़्यादातर वाटर के लिए किया जाता है, घर में जो फिटिंग होती है, लाइट की फिटिंग होती है, उसमें भी PVC पाइप का बहुत यूज़ किया जाता है। और वाटर की जो फिटिंग होती है ना, पानी की फिटिंग होती है ना, उसमें भी PVC पाइप का बहुत यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप की जो ओपन फिटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें PVC का यूज़ किया जाता है। और जो पानी की फिटिंग होती है ना, ये इस तरह की PVC पाइप होती हैं, इस तरह की भी होती हैं PVC पाइप। ये वाली PVC पाइप, और जो पानी वाली जो सप्लाई जितनी पानी की ना, घरों में जो फिटिंग होती है ना, वो जितनी भी प्लास्टिक की पाइपें होती हैं सारी PVC पाइप होती हैं। उसके बाद आती चौथे नंबर पे आती है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिनाइल। तो लो डेंसिटी पॉलीथिनाइल की ज़्यादातर तो चेयर कुर्सी वगैरह होती हैं, टॉयज खिलौने वगैरह होते हैं, उस पर भी सैमल दिया जाता है। LDPE लिखा होगा रेक्टेंगल के अंदर फोर, और उस पर लिखा हुआ LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिनाइल। पाँचवें नंबर पे आती है PP, पॉली प्रोपाइल लीन। तो PP का मैं व्यू दिखाता हूँ अभी आपको। PP ये देखो, PP रेक्टेंगल के अंदर फाइव लिखा हुआ है, ये देखो PP रेक्टेंगल अंदर फाइव। उसके बाद आता है PS, पॉलीस्टायरीन, छठे नंबर पे आता है। उसमें भी उस प्लास्टिक के भी रेक्टेंगल के अंदर सिक्स लिखा हुआ। उसके बाद सेवन्थ में आता है PC, पॉलीकार्बोनेट, उसके अंदर रेक्टेंगल के बिल्कुल अंदर सेवन लिखा हुआ होगा। तो अगली वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि पैट को कब तक यूज कर सकते हैं और पैट में कितनी टाइप की प्लास्टिक आती है। अगली वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा इस बारे में, पैप के बारे में, HDPE के बारे में। मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो देने वाला हूँ इन टॉपिक पे, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।